रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राजनीति से संन्यास के जो संकेत दिए थे उस बयान को गंभीरता से न लेने को उन्होंने अब कहा है। पर्रिकर का कहना है कि उन्होंने ये बात हल्के फुल्के अंदाज में कही थी और इसे राजनीति से संन्यास न माना जाए। आइए अब देखते हैं मनोहर पर्रिकर ने क्या कुछ कहा था। दरअसल गोवा में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 60 साल रिटायरमेंट की उम्र मानी जाती है और 13 दिसंबर को वो 60 साल के हो रहे हैं, इसलिए पिछले 2-3 साल से राजनीति से संन्यास लेने की सोच रहे हैं। ऐसे में किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए भी वो खुद को तैयार नहीं मानते। एक एजेंसी के हवाले से ये खबर आई थी, लेकिन अब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि हल्के फुल्के अंदाज में मजाक में ये बात कही गई थी, इसे गंभीरता से राजनीति से संन्यास के तौर पर न लिया जाए।